मैंने ध्यान दिया कि मेरी फिंगर है ये पूरी एकदम ऐसे टिप पे नहीं आ रही है, ये सब फ्लैट है, दिख रहा है ये सब फ्लैट है। अब ये तो लिया था लाइन मेरी, ये लाइन है, अब ये फ्लैट है, ये कितना ऊपर है इस लाइन से, ये आ रहा 3.5, तो मैंने यहाँ 3.5 लिया, ठीक है, ये यहाँ मार्क किया इस तरीके से, ठीक है, फ्लैट मैंने कर दिया मार्क। अब ये हिस्सा यहाँ है, ये कितना हल्का सा ऊपर गया, देखो ये हिस्सा थोड़ा है, मैं डार्क ऐसे गया, फिर ये हल्का सा वी शेप आया, मैंने हल्का सा ये अंदर की तरफ, फिर ये बाहर की तरफ, रहना इसी लाइन पे अपन, ठीक है, रहना इसी लाइन पे है, लेकिन ये ऊपर गया, ऊपर आया, ये वी शेप दिख रहा है, अभी कितना ऊपर है, ये जो है इसकी लेंथ देखिए, इसकी स्केल है, इसकी लेंथ आ रही है 1.3, तो मैंने 1.3 पे यहाँ मार्क किया, ठीक है, तो इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ एक लाइन खींची, वो 1.3 पे कट करी। अब ये थोड़ी ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, लाइन जा रही ना, ये यहाँ से जा रही है, मैंने इस तरीके से एक लाइन बना दी, कितनी भी लंबी लेंथ की बना दो कुछ फर्क, अपन का मेन काम क्या है, यहाँ स्केल रखो, इसकी लेंथ देखो, ये आ रही 1.4, तो यहाँ से लेके कहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1.4 है डिस्टेंस, मैंने मार्क किया, फिर ये पैरेलल आ रहा था, तो इधर पे मैंने ऐसे क्रॉस कर, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी आगे देखो ए शेप आ रहा है, तो अगर मैं देखूं कितना आ रहा है हिसाब से, ये 0.5, ये 0.5 और ये 1, ठीक है, तो इस एंगल पे थोड़ा नीचे की तरफ आया, ये 0.5 है, इस एंगल पे थोड़ा नीचे की तरफ आया, ये 0.5 है, फिर यहां से 1 सेंटीमीटर, ये मेरे को हिसाब है, तुम लोग पेंसिल पेंसिल और स्केल का यूज करना, फिर मेरे को हिसाब था कि ये 0.5 है, ठीक है, देखो ये 0.5 आ रहा, ये 0.5 आ रहा, प्रैक्टिस करोगे अपने आप अंदाजा लग जाता। अब ये देखो ये 1 है, 1 सेंटीमीटर यहां होगा अंदर की तरफ कट, ये जो आया ना ये अंदर की तरफ अपनी उंगली पे कट, इसके नीचे से आया एक कट ऐसे, ये जो आ रहा ना पीस पीस का सही अंदर, और ये यहाँ, और ये यहाँ से स्ट्रेट ये ज्वाइन हो, तो ये अपन ने जो बनाई है अपनी, ये अपन ने लिटिल फिंगर बना दी। अब दोबारा देखो, अभी रुक जाओ, अभी अपन ये फिंगर भी बना रहे ताकि फ्लो ना, फिर मैं टाइम दूंगा कि दो फिंगर्स कर सकूं, ओके, आराम से करना। तो फिर क्या करा अपन ने, यहां से देखा ये जो जा रही है लाइन, ये यहां से जा रही है, मैंने एक लाइन खींच दी, ये हल्की सी इस लाइन के ऊपर है, अगर तुम यहाँ स्केल रखो ये थोड़ा भी बहुत लाइन के ऊपर आ रही थी, तो ऐसे बहुत एकदम स्ट्रेट नहीं ले जाना कि यहाँ से बाहर, ये देखो यहाँ तक आ रही है, कितनी भी लंबी ले जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, अपन को देखना है कि यहाँ से कितनी है, तो अपन उतने पे कट लगा दो, तो याद रही 2.8 से, तो मैं यहाँ 2.8 रखा और ये कट मार, ठीक है, मतलब मेरी लेंथ यहाँ तक है, ये लाइन खाली इतने आगे जा रही है, मेन लेंथ क्या है ये है, ठीक है, ये जो थोड़ा इरेज कर लिए, ज्यादा जो जाती है ना, जैसे ये अपने टिप आ टिप सी लग रही है, होनी चाहिए, ओके, तो अपन ने क्या किया, ये ए शेप दिख रहा है, अब यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ आया, ये थोड़ा फ्लैट हुआ, फिर ये अंदर की तरफ आया ऐसे, अब देखो अपन ने उंगली ले ली, सबकी उंगलियों की लेंथ जो रहती है अलग रहती है, विड्थ भी अलग है, मोटा मोटा रहता किसी की बहुत ज्यादा पतली रहती, फिर ये धीरे धीरे ये लगभग बराबर, तो वो कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही 1.6, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 1.6 मार्क किया, ठीक है, इस तरीके से नीचे ले आया, जितनी भी नीचे ला रही कोई परेशानी, तुम यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक खींचे कोई परेशानी, ठीक है। अब जरूरी क्या होता है, अपन इसकी लेंथ ताकि अपन को पता तो चल सके, अपन ने लंबी लाइन खींच तो दी, अब लेकिन उसे कट कहाँ करना, इसे कट करना है तो मैं 1.5 पे, तो अपन ने 0 यहाँ लिखा 1.5, तो ये कट करने पे ऐसे नहीं कि स्ट्रेट लाइन, हल्का सा ये कर्व किया और ऐसे अंदर हल्के से कर्व के साथ, फिर स्ट्रेट नहीं आ रही है ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़े एंगल बदला है, ये एंगल इस डायरेक्शन में, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ करा और ये अब अंदर की तरफ, और ये जो है इसने फिर से थोड़ा अंदर की तरफ एंगल बदला ऐसे, और यहाँ अब ये मत देख ध्यान देना कि ये जो बनाएंगे अपन ये वाला कितने हाथ में वो बनाएंगे अपन, अभी इतनी मोटी नहीं रखना, ये बीच में देखो ये वी शेप दिख रहा है अपन को, यहाँ उंगली आएगी यहाँ से उसे ज्वाइन, तो ये अपन ने दो उंगलियां बना ली, ठीक है, इतना करो, ये वाली जो फिंगर है ये वाली, ये किस एंगल में जा रही, इधर इधर से, इस तुम जो लाइन बनाई थी ना उसी पॉइंट पे, ये जो लाइन जिसको क्रॉस कर रही है, तुमने यहाँ से एक इस एंगल पे
अब देखना स्ट्रेट खींच दोगे तुम, हो सकता है, या हॉरिजॉन्टल खींच दो, नहीं उससे स्ट्रेट से थोड़ा लेफ्ट है, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे मान लो, 30 to 35 डिग्री, अगर स्ट्रेट लाइन तुम ऐसे खींचते हो तो ये उससे 30-35 डिग्री के एंगल पे होगा। इस हिसाब से अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, ये अपन ने बना दिया, अभी कितनी लंबी है, ये है यहां से 2.4 सेंटीमीटर, तो मैंने 2.4 पे ऐसे मार्क लगाया यहाँ पे। अब यहां से अपन को वही ऊपर जाता है, ये थोड़ा ऐसे फ्लैट सा होता है, फिर वापस नीचे की तरफ आता है ऐसे, और लेकिन कितना ये जो विथ है ये कितनी है, तो यहां से लेकिन यहां का डिस्टेंस कितना आएगा, 1.7 आएगा, 1.7 आएगा, ध्यान देना सब लोग यहाँ पे, अभी करना नहीं, यहां से आया तुम्हें, यहां से जैसी इस लाइन पे क्रॉस करेगा ये, इस लाइन से नीचे ले आना, ठीक है, तुम ले आए, अब वो कितना नीचे आ रहा है, वो आया 2 सेंटीमीटर, तो तुमने यहाँ 2 सेंटीमीटर पे मार्क किया, बहुत ज्यादा ऐसे नीचे मत लाना है फिंगर्स में, यहाँ किया और यहां से अंदर की तरफ कर्व नहीं करना है, इसे थोड़ा फ्लैट बनाना, फिर ऊपर की, फिर थोड़ा आगे की तरफ एंगल आया, आप देखो यहाँ पे भी गैप है बीच में, ठीक है, लेकिन वो हाईलाइट के तौर पे है, ये ऐसा जो आ रहा है ना, ये हाईलाइट सा दिख रहा है अपन को, एक वाइट सा एरिया। अब देखो यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना है, देखना ये बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है अगर अपन गलत करो तो, यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस है 1.5, देखो मैं गलती करने चला तो 1.8 आ रहा है, तो मेरा 1.5 यहाँ आना चाहिए, तो मेरी इस उंगली ऐसे निकलेगी, तो मेरे को डायरेक्शन भी पता चल गई और मेरा गलत भी नहीं हुआ। सेम तरीका ये, 1.2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ये अंदर की तरफ आ गई। अब यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस मैं अगर मेजर करूं तो वो आएगा मेरा 2.1, तो मैंने यहां से यहाँ का डिस्टेंस 2.1 मार्क किया, और यहां से वो 2.1 को क्रॉस करते हुए मैंने यहाँ ज्वाइन कर दी, तो ये मेरी फिंगर बहुत आसानी से ड्रॉ एक्यूरेट शेप के साथ, ठीक है। यही सेम तरीका अपन इस पे लगाएंगे। अब देखो ये एकदम इससे जॉइंट तो है नहीं, थोड़ा डिस्टेंस है, तो यहां से निकल रही है थोड़ा, एटलीस्ट 0.4 का डिस्टेंस लेके थोड़ा ये ऊपर की तरफ, फिर इसी लेवल पे देखना, ये अपन का लेवल है, अगर ये लेवल पे मैं लाइन खींचू, ये लेवल पे लाइन खींचू, तो दोनों पे जो पार्टीशन रहते ना ये सेम पे आ रहे हैं, तो यहां से लाइन खींच दी, यहां पे खींच दी, ठीक है। टिप ये है जो ए बन रहा है ना, ये अपना ये टिप पे बन रहा है, तो अपन यहां लाए, यहां देखो जैसी लाइन थोड़ा लाइन से दूर जा रही थी, लेकिन जैसी लाइन के पास आई ये यहां पे आ गई ऐसे, अब ये ऊपर की तरफ इसके पैरेलल जा रही है ऐसे, तुम्हें पता है कि यहीं पे कट करना है ऐसे, अपने ये दोनों सेम, ये जो उंगली के पार्टीशन के लाते ना ये सेम बन रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी वही सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं, डायरेक्शन के रहा लेंथ पे, फिर ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, तुमने ऊपर की तरफ लाइन खींच दिया, वो कितनी लेंथ है उसकी, यहां से लेके यहाँ की कितनी लेंथ है, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3, अभी देखना तुम कॉपी नहीं करना, 2.3 बेस ये है, टिप का जो ए का जो बेस आ रहा है ये आ रहा था, तो 2.3 से यहां क्रॉस किया, अब देखो इसकी विथ कितनी है, तो ये जो व्हाइट एरिया है ना ये वाला, ये लेना अंदर का, ये जो ग्रे एरिया देखना ना ये नहीं लेना, तो व्हाइट एरिया कितना है 1.8 सेंटीमीटर, तो 1.8 यहां रखा, ठीक है, क्रॉस किया इसने ऐसा और नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है, फिर थोड़ा बाहर की तरफ आई, फिर अंदर की तरफ आ गई ऐसे, और फिर थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ, एक बार चेक कर लेना ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां का आ रहा है 2.1, मेरा आ रहा है 2.1, हाँ तो मेरा सही आ रहा है, ठीक है। तो ये अपनी फिंगर्स बन गई बहुत आसान तरीके से। अंगूठे वाले पार्ट के लिए अब देखो यहां से आ जाओ, ये थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पे ऐसे, ये इस लाइन में जा रहा है, कितने पे जा रहा है ये वाला डिस्टेंस देखते हैं अपन, स्केल का यूज कर रहे हैं अपन डिस्टेंस देखने के लिए अभी, तो ध्यान से यहाँ पे मतलब अंगूठा जो तुम्हारा आ रहा है देख सकते हो, अंगूठा डायरेक्टली ऊपर है, ठीक है, एक कोई भी स्ट्रेट लाइन सी लाइन खींच दी अपन ने, कितने ऊपर तक जा रहा है अब देखो, यहां से यहां तक पे कट है, ठीक है, तो यहां का डिस्टेंस देखो 2.4 यहां मार्क किया, और यहां से देखो कैसे जा रही है इस डायरेक्शन में, पेंसिल इधर पकड़ो, इस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन यहां ड्रॉ करो, सेम डायरेक्शन यहां ड्रॉ करो,
अब यहां से लेके यहां का डिस्टेंस कितना है, ये आ रहा होगा 1 सेंटीमीटर, हाँ 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है यहां। अब ये देखो फ्लैट है, तो तुमने यहां से फ्लैट कर दिया, ये आ रहा होगा तुम्हारा 0.7 के बाद ये नीचे की तरफ आया, ये वाला जो स्ट्रोक आ रहा ये 0.5 के हिसाब से रहता है, और फिर ये अंदर की तरफ, ये जो मेजरमेंट मैंने लिए ना अभी 0.7 और 0.5, ये स्केल से ले लेना, गलती मत करना, ठीक है। मेन कौन से हो जाते हैं, ये वाले, ठीक है। तो अब देखो यहां से, देखो यहां से ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये आया अंदर की तरफ, यहां से इस पे ज्वाइन हो जाएगा, यहां से इस पे ज्वाइन हो गया और ये स्ट्रेट लाइन यहां की तरफ आ गई, ठीक है। एक बार अंगूठे की वो देख लेना विथ, वो है तुम्हारी 1.8, मेरी भी है 1.8, ओके। ये जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, इन्हें इरेज कर दो, ताकि अपना जो अंगूठा है इस शेप का अपन को मिल जाए ढंग से, ठीक है। तो अपन ने अंगूठा इस तरीके से कर लिया, तो ये यहां आया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं बचता है, इसकी लेंथ देख लो, यहां से लेके यहाँ की लेंथ कितनी आई, ये आई 4.5, तो 4.5 पे मार्क किया, यहाँ पे यहां से अंदर की तरफ आ गई, बी शेप दिख रहा है अपन को, अंदर की तरफ, अपन ने बेसिक शेप में ड्रॉ कर रखा था, ठीक है, अपन ने बेसिक शेप वाले में ड्रॉ कर रखा था, ये किया, फिर यहां से बाहर की तरफ आई और फिर नीचे की तरफ ले गया अपन इसे, तो ये अपना राइट हैंड साइड वाला पूरा कर्व हो गया। अब आते इस साइड, तो ये अपन को ज्यादा कुछ नहीं करना, ये जो अपन को डार्क दिख रहा है ना, अपन को इसी पे ले जाना, लेकिन थोड़े हिसाब से ये लाए, फिर बाहर की तरफ, यहां से ये जो कर्व जा रहा है ना इस तरीके से हाथ की लकीरें, ये हल्की सी ये ड्रॉ करो, ठीक है। इसके नीचे फिर अंगूठे से यही सेम कर्व ऐसे आ रहा है धीरे से, ये हाथ यहां जाते हुए, फिर एक कर्व ऐसे धीरे से ऊपर जाते हुए, और वही सेम तरीके से कर्व यहां से नीचे आते हुए, ये सब बहुत ज्यादा ऐसे बाहर की तरफ नहीं निकालना, ठीक है। ये हल्का सा इरेज कर लो, क्योंकि अपन उसे ऑलरेडी बहुत डार्क कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा लाइट कर लेना, ये बाहर की तरफ और फिर वापस अंदर की तरफ, और ये कर्व कर ये नीचे की तरफ आ गई, ये जो हिस्सा दिख रहा है अपन, ध्यान देना जरा, एक शॉट में बता रहा हूँ, फ्लो वाली चीज है, इसमें फ्लो नहीं टूटना चाहिए तुम्हारा, ये हिस्सा है, तो हल्का सा ऐसे कर्व किया अंदर की तरफ, यहां से थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे, ये थोड़ा हाथ में जो थोड़ी नसें टाइप दिख रही है, ये ऐसे जा रहा है जो, ठीक है। इस तरीके से अपन ने बहुत अच्छे तरीके से ये हैंड ड्रॉ कर लेते हैं अपना, ये थोड़ा डायरेक्शन गड़बड़ हो गई इसकी, एक बार हैंड की वो देख लेना विथ, यारी 5.5 है यहां पे। तो इस तरीके से अपन हैंड जो है ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो थोड़ी डिटेल्स रहती है ना हल्की हल्की अंदर की तरफ, वो थोड़ा हिसाब से ड्रॉ करना, डिफरेंस के हिसाब से, वरना इतने में अपना ये ड्रॉ बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है, ठीक है।